हम बैठे हैं सरदार सर के ब्लॉक नंबर 8 में। ब्लॉक नंबर 8 में तीन पंचायतें आती है, भादा सर और बनड़ाऊ उतरादा और बनड़ाऊ दिखनादा। इन तीन पंचायतों का में अब चुनाव है और यहाँ पर केसरा राम जाखड़ है जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा चाहे जब विकट परिस्थितियों में रही है, सीटें कम आती थी तब भी भाजपा में ही रहे थे और भाजपा के हनुमान के रूप में ये कार्यकर्ता माने जाते हैं। अब की बार ब्लॉक नंबर 8 से इनके पुत्र हंसराज को चुनाव लड़ाया जा रहा है और केसरा राम जी खुद है वो सरपंच है। तो केसरा राम जी, आप ब्लॉक में घूमते हैं तो लोगों का किस प्रकार का मानस लग रहा है? हमारी पंचायत में बीजेपी है जो सबसे आगे बढ़त लेगी, 1000 और 1500 के बीच में बढ़त लेगी। हर बीजेपी कार्यकर्ता का और कांग्रेस कार्यकर्ता का दोनों का मनोबल है वो अपने पक्ष के माए आपके पक्ष के अंदर है। आप जाते हैं तो भाई भाजपा को वोट देने की कार्यकर्ता बात करते हैं तो कांग्रेस से नाराज होने का क्या कारण बताते हैं? कांग्रेस से नाराज होने का कोई कारण नहीं बताते हैं, लोग इच्छुक है हम आपसे वोट देकर राजी हैं। दूसरी बात, कांग्रेस का राउत राम जी की पुत्र बदौलत ये उसके कारण हमारे को वोट बहुत ज़्यादा मिल रही है। राउत राम जी की पुत्र वधु वंदना आर्य आपके जिला परिषद आपके ब्लॉक में आता है तो वो भी जिला प्रमुख की दावेदार मानी जा रही है तो नहीं, है भी जिला प्रमुख की दावेदार है भी, जिला प्रमुख बनेगी। उनकी जीत को लेकर क्या लगता है? वो तो जीतेगी 10,000 वोटों से। केसरा राम जी एक बड़ा फैक्टर ये भी बताते हैं कि राउत राम जी आर्य की पुत्र वधु वंदना आर्य यहाँ से लड़ रही है तो उसका भी जो तालमेल है वो एक अच्छा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है जो जीत का एक बड़ा कारण रहेगा। तो केसरा राम जी, विकास के कौन से मुद्दे रहेंगे जो मतलब आप जीतने के बाद करवाना चाहेंगे? देखो, विकास के मुद्दे मेरा सर्वप्रथम पानी के लिए रहा और मैं बीजेपी में रहा, अशोक जी से हमारे गांव में 4 ट्यूबवेल भी कराए, पानी की टंकी भी कराई और मैं हमेशा गरीब और जमा रहा हूँ, न्याय के पक्ष में रहा हूँ। क्या आगे भी गरीब और न्याय के पक्ष में रहूँगा और हमारा प्रधान और जिला प्रमुख बन गया तो SC वाले में सारे छपरियाँ हैं, चयनित भी हमने खूब बनाना है। क्या और मकाना का भी खूब हमने फार्म भरना है और मकान भी निकलवाने। मतलब आप यहाँ से सरपंच है और यहाँ से अगर ब्लॉक मेंबर बन जाए तो क्या ये कड़ी से कड़ी जुड़ने का काम होगा? नहीं, जरूर होगा। भाजपा का ही प्रधान बनेगा, भाजपा का ही प्रमुख बनेगा और वंदना आर्य वो तो प्रमुख बनेगी बनेगी। वंदना आर्य जिला प्रमुख बनेगी। तो केसर राम जी, प्रधान की दौड़ में आपको कौन कौन लगते हैं? प्रधान की दौड़ में राजेंद्र सिंह जी राठौर, अरे वो जयदेव सिंह जी राठौर और सुखराम जी बाना, वो दो आदमी हमारे लगते हैं। दो आपको लगते हैं? और क्या पार्टी किसी तीसरे को भी सर्वसम्मति बन सकती है? देखो, वो पार्टी की परिस्थिति है, वो पार्टी जाने क्या करेगी। अशोक जी जिसका नाम लेंगे उसके साथ सर्वसम्मति से हम अशोक जी नाम लेंगे या 25 सब मिलके तय करेंगे? मिलके तो तय करेंगे करेंगे, बाकी हमारे हाईकमान कार्यकर्ता तो वो यानी वो सूझबूझ से जिसको तय करेगा वो कार्यकर्ता और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। मिलकर तय करेंगे, बाकी उसकी सूझबूझ ज्यादा चलेगी। उसकी सूझबूझ, आपने भी बताया कि आपने पानी की और सड़कों का काम यहाँ पर करवाया तो अब अगर पंचायत समिति आपकी दोबारा बन जाती है, पिछली पंचायत समिति आपकी ही रही थी तो अब और कौन कौन से काम है जो आप अपने तीन पंचायतों के अंदर मोटे तौर पे देखते हैं कि उन्हें पहले ठीक करवाना जरूरी होगा? हमारे चारणवासी गांव सबसे काम में पिछड़ा हुआ गाँव, वहाँ में ट्यूबवेल बनाने की भी हमारी इच्छा है, घर घर में टूटी लगाने की इच्छा है, पाइपलाइन मैंने मंजूर करा रखी है, वहाँ पानी का हौद मंजूर करा रखा है, हमारे गाँव में भी कई पाइपलाइन मंजूर करा रखी है, 3 हौद हमारे गांव में मंजूर करा रखे है, 3 बादास उत्तरा दम करा रखे है, 3 हौद चारणवासी गांव में भी करा रखे है, बाकी शमशान भूमि का है वो तीनों गांवों में ही समतलीकरण का और पौधारोपण का हमने प्रस्ताव दे रखा है। केसर राम जी, हर पंचायत से एक सवाल उठ कर आता है कि जो अपने बच्चे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए दौड़ के लिए ट्रैक है तो वो पंचायतों में बनाने की कोई बात हुई है क्या? हमारे गाँव में तो एक ट्रैक आ रहा है, मंजूर हो गए, चारणवासी गमा और बादासर में ट्रैक लेने की कोशिश करूंगा और बनवाऊंगा भी। ट्रैक बनवाने की बात करेंगे ताकि सेना में जा सके। आप सिंचित क्षेत्र से आते हैं, आपके क्षेत्र में बहुत सारे ट्यूबवेल है तो बिजली की किस प्रकार की समस्या है, अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए क्या प्लान है?
बिजली की हमारे कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक ही समस्या है जिसकी टाइम हम मोटर चेक करते हैं वो 5 मिनट लाइट नहीं देती, वो लाइट डालने की कोशिश करेंगे, करेंगे कोई आदमी मान लो मिस्त्री ला रखा है तो उसको वो लाइट नहीं देते, तो 15 मिनट चेक करने के लिए मोटर लाइट देने की प्रबंध कराएंगे। तो कैसे राम जी आपको अपनी पंचायत समिति आती हुई दिखाई दे रही, कितनी सीटें लगती है आपकी कि बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी की 20 सीटें आने की संभावना है, इनको 20 सीटें आने की। एक सर राम जी सवाल ये है कि कुछ किसानों की मतलब बातें आती है कि सर्दियों में रात को बिजली जाती है, वो अगर दिन में दी जाए तो सर्दियों में हमारे बनड़ाओं में भी 100 जी पीछे से लोग आग्रह किया कि हमारे को रात को लाइट मिलती है वो दिन में करवाओ, तो 100 जी के हम सब मिल के चुनाव के बाद हम बात करेंगे और दिलवाएंगे। ये भाजपा के केसर राम जी जाखड़ थे जो भाजपा में लंबे समय से रहे थे और भाजपा की पंचायत समिति बनने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, अपने जीत को भी हजारों के मार्जिन से जीतने की बात की कह रहे हैं, तो जीत को लेकर इनको मनोबल काफी ऊंचा है और इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का इनका साथ है। तो पिछला चुनाव भी इन्होंने 768 वोटों के अंतर से सरपंच का जीता था, तो उसकी बजाय इनका मानना है कि अब इस चुनाव में और मतदाता इनके साथ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी जीत का ये दावा कर रहे हैं। फैसला 5 तारीख को मतदाता करेंगे और इसका निर्णय हमें 8 तारीख को मिल पाएगा कि केसरा राम जी के दावे कितने सच साबित होते हैं और विकास के सपनों को ये किस प्रकार धरातल पर उतार पाते हैं।